ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं अपने चैनल पर कोई न्यू ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। इसका ये रीज़न है कि सबके एनुअल एग्जाम्स हो रहे थे और हमारे भी, तो इन एग्जाम में हर एक बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इस एग्जाम की इन एग्जाम की परसेंटेज डिसाइड करती है कि हम अगली क्लास में प्रमोट होंगे या फिर नहीं। अरे आप इतनी जल्दी आ गए, तो चलो आपको बाकी की स्टोरी सुनाती हूँ। खैर, मेरे एग्जाम तो खत्म हो गए, तो उसके बाद आती है जी रिजल्ट की बारी। तो रिजल्ट कुछ यूँ था कि मेरी आई थी 94% और मैंने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली थी, ही क्या थी 88%। तो ये सब कुछ तो हो गया। अब उसके बाद ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म कोर्स एंड स्कूल की एक्सेसरीज, जी ये सब कुछ तो हो गया। तो अब ये भी सुन लीजिए कि कब स्कूल ओपन हुए। तो जी स्कूल ओपन हुए 14 मार्च को, रिजल्ट था 10 मार्च को। तो आज क्या है, आज है 13 मार्च, या आज है 13 मार्च और कल है 14 मार्च। तो कल जी मेरे स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। तो फिर मुझे याद आया कि हम लोगों ने अपनी आपी से प्रॉमिस किया था कि हम लोग इन छुट्टियों में जब हमारे पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग आपकी तरफ आएंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी आपी के घर, और उससे पहले आज हम लोगों ने बनाए हैं अपने घर में आलू के पराठे। तो आप सब लोगों के यकीनन मुंह में पानी आ गया होगा। तो चलें भाई, अभी वो मैं मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद, आलू के पराठे। तो तब तक के लिए स्टे विद मी। तो अगेन वेलकम। तो मैं हो चुकी हूँ जी रेडी, और अभी जो है ना मेरी मम्मा रेडी होना है बस मेरी मम्मा ने। और यार मम्मा हमेशा ही लेट हो जाती हैं, उसका ये रीज़न है क्योंकि मम्मा हम सबकी भी तैयारी कर रही होती हैं, तो फिर अपनी तैयारी तो रह ही जाती है। तो चलो अभी मैं आप लोगों को उम्मू को दिखाती हूँ। उम्मू जी रेडी, और बस अब मम्मा रह गई हैं रेडी होने वाली, और ऊपर और मेरी फूफो रह गई हैं, क्योंकि मेरी फूफो भी साथ जा रही हैं और मेरी आपी भी जानी है शापी। तो अभी हम लोग जो है ना बस फूफो रेडी आई थिंक होने वाली रह गई हैं, मेरी आपी भी हो रही है, मैं अभी देख के आई हूँ, और मम्मा रह गई हैं। यार मदर्स हमेशा ही लेट हो जाती है क्योंकि मम्मा मेरी भी तैयारी करती हैं, आहिल की भी, उम्मू की भी, तो फिर मम्मा इस वजह से लेट हो जाती हैं। तो चले कोई बात नहीं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उम्मू कैसे रेडी हुई है। तो चले आए, अभी जो थी वो छत के ऊपर थी, किया है जी पैंट शर्ट, और मैंने साथ जो है वो हील पहनी है। और अभी बाहर जो है ना हमारे घर में सफाई हो रही है, यहाँ पर सफाई हो रही है। और मुझे ना आज कैमरा ना मेरे हाथ से ना बार बार फिसल रहा है, और दो बार ही फोन कितने कितने बचा है। और एक बार जब मैं अपनी वीडियो पहले शूट करने लगी थी, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं मुनापी के घर, और जो है वो अभी मुनापी खाना बना रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मुनापी अभी जो है वो खाना बना रही है। तो जी मुनापी पूछते क्या बना रही है, मुनापी आप क्या बना रही है? चिकन रोस्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये, तो ये देखें जी आपी ऐसे बनाया है आपी ने इन्हें। और आपी आपने एक तरफ क्या रखा हुआ है, आपने एक तरफ क्या रखा हुआ है, चिकन रखा हुआ है आपी ने। तो आपी के हाथ का खाना हमारे पूरे, तो जी हमारी जो है वो नानो दादू लोगों के जो है वो पूरे खानदान में ना आपी मुन्ना के खाना बहुत फेमस है, और मेरे नानो लोगों के जो है वो फैमिली में से मेरी डोडो मास्टर का जो है वो बहुत अच्छा खाना है, जो कि मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं नहीं यहाँ पर रुकूंगी। तो अभी चलते हैं जी बाहर, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी छोटी सी मेरी छोटी सी भांजी इफ्रा। तो चले आए मैं आपको, इफू बेबी इफ्रा इफू इफ्रा बना ले सिर्फ इफ्रा दी उमरा, पता नहीं क्या कह रही है। तो फ्रेंड में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि अभी हम लोग जो है ना बासुओं के दादाबू की हवेली से होके आए हैं, और वहाँ पर बहुत ही शदीद गर्मी थी। तो हम लोगों ने तो जल्दी आ जाना था, लेकिन ये लोग जो है ना ये तीन अपलाधों के जो है ना, इन्होंने बहुत ही ना हमारे सामने दर्द किया हुआ था कि नहीं हम लोगों ने वहाँ पर खेलना है, हम लोगों ने क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना। हम लोग उनकी वजह से बैठे रहे, मैं अभी बड़ा स्वेट आ रहा है, तो अभी पंखा भी चला लेकिन मुझे नहीं आ रहा, मतलब मैं कैसे करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैं मिलती हूँ आपको जब खाना बन जाएगा, तब तक के लिए मुझे ऐसी हवा भी ले लूँ। फ्रेंड्स
तो फ्रेंड्स आए, अब मापी ने खाना बना लिया, तो आए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है जी कस्टर्ड, और ये भी कस्टर्ड है, और ये है जी चिकन का सालन, और ये है जी आपी ने चिकन रोस्ट किया है, और ये है जी बीफ का सालन। तो आपी जो है अभी वो लग तो अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ खाना खाने के बाद। ना क्या हाल है अदन, अभी तक नहाई नहीं ना। अच्छा अदन नहीं ना, नहीं ना नहाई। ये देखे शजर, शजर हाय बोले फ्रेंड्स को। हाय। तो शजर आपको मजा आ रहा है आज? हाँ जी। ओके। आहिल हाय बोले फ्रेंड्स को। हाय फ्रेंड्स। आहिल आपको मजा आ रहा है? आपको मजा आ रहा है आज? तो चले आए इसका भी लेते हैं। हाँ जी कल के पास हाय बोले फ्रेंड्स को। तो आपको मजा आ रहा है आज? मजा आ रहा है। अच्छा तो ये देखिए, ये है जी योगर्ट, और पता ना हो लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक का सब बच्चों को पता, और सबकी कोशिश है सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक मिल लीजिए। ये लो दोनों कल, ये तुम और कल बेबास आ जाओ, कल बेबास बेटे आ जाओ, ये पकड़ो ध्यान से। अरिबा को भी, अरिबा आपको भी देती। हाय बोले सब। तो अरिबा इतने दिनों के बाद आई है। आहिल नीचे बैठे सब बच्चे, जो सारी अफलातून ऊपर आई हुई हैं जी घूमने के लिए। और ये जो है कल बस, ये आप लोगों की डिश है, ये देखे ये जो है ना इन लोगों की डिश है, और ये इन लोगों का डिश स्टैंड है। और या बच्चों ये पटाखा चलाने लगे, ये पटाखा चलाया नहीं, यहीं नहीं जला भी, आग की लाइन है। तो क्रैकर चला ही जा रहे हैं, तो आराम से बच्चों आराम से। ये एक साथ चलाने लगे हो? नहीं कल बस ये मत करना, बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे हमारी एयर जो है ना वो पोल्यूशन हो जाता है उसके अंदर। ना करो, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे यहाँ से, हवा गंदी होती है। माचिस है नहीं लाइट है जो है आपकी मुन्ना का। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, तो चले आए भी, अब हम लोग घर चलते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाने के जाना है, हम सब ने बता, मैंने आही मम्मा वगैरह ने। तो अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो हैं वो आ गए हैं अपने घर। तो हम लोग 7:30 बजे के तो आ ही गए थे घर, लेकिन उसके बाद हम लोग चले गए जी खाना खाने। तो अभी जो है वो टाइम हो रहा है जी 11:30, और हम लोगों को अभी बहुत ज़्यादा नींद आई हुई, और सुबह हम लोगों ने स्कूल जाना था, तो इस वजह से अभी तक हम लोग जो है वो अपने स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो तकरीबन हमारे स्कूल की तैयारी जो है वो हो चुकी है जी कंप्लीट, और अभी बस हम लोग जी सोने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने फिर जब मैं जो है अभी फेस वॉश करके आई हूँ, तो मुझे याद आया कि मैंने तो अपने ब्लॉग का एंड करना था, तो फिर मैंने ब्लॉग का एंड करने लगी। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स सॉरी, मेरी भी गलती थी कि मैं इतने दिनों से अपने चैनल पर कोई न्यू ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी, तो मैंने इसका रीज़न आपको बता दिया था, लेकिन इंशाल्लाह अब आपको आगे से ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।